देखिए विनीता जी, आपने जो दो जर्नलिस्ट यहाँ पे अभी बुलवाया उनसे, तो मैं कुछ बातों से इनकी रिजवान मुश्तबा साहब की सहमत हूँ कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके राज्य में और जिनके संरक्षण में ये सब पनपा। जहां तक आपने ये बात कही कि कोर्ट ने फटकार लगाई, हमको लगता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही है कि इंक्रोचमेंट हटाने के पर मैं कोई रोक नहीं लगा सकता हूं, लेकिन एक विशेष जो जहांगीर अपने दिल्ली में मामला चल रहा है उसको उन्होंने अगली सुनवाई तक स्थगित करने के लिए कहा है कि 15 दिन तक कोई जी कार्रवाई न की जाए। लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के ड्राइव पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। दो चीजें हैं, एक है इंक्रोचमेंट हटाना और एक है अवैध निर्माण कर लेना। अवैध निर्माण करने पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और किया जा रहा होगा। क्या कि हमको नोटिस देनी चाहिए? लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। गैर कानूनी ढंग से यदि आपने कोई सड़क पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, तो सरकार अक्सर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाती है और आकर के इन चीजों को हटाती है। ये जहां तक मेरी जानकारी है, ये कोई अभी जल्दी नहीं शुरू हुआ है, ये कई समय से इस विषय पर चल रहा था। शायद 6 महीने 7 महीने से चल रहा था कि इंक्रोचमेंट हटाने की अभियान चलाया जाएगा और ये उसके अंतर्गत सहयोग है कि ये जोड़ लिया गया। लेकिन अभी आप बड़ा अच्छा रिजवान साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सबको मानना चाहिए। अरे भैया रिजवान साहब, ये भी तो बोले होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर नमाज अदा करने के लिए जरूरी नहीं है, इनको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उस पर जी आप लोग बिल्कुल अमल बिल्कुल नहीं कोई कर रहा है, उस पर सारे माइक वैसे ही बजते रहे। बिल्कुल हमेशा जी, मैंने भी जो बोला था समाज के अंदर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप सुबह सर। 5 बजे कहां पे, आपके कुरान में कहां पे, आपके नियमों में ये लिखा हुआ है कि अजान देने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए? उस समय तो लाउड स्पीकर भी नहीं थे, उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप लाउड स्पीकर लगा के अजान देंगे। और कबीर दास जी का ये काकर पातर जोड़ के मस्जिद ले बनाए था, ऊपर मुल्ला बाग दे क्या भैरो हुआ कुदा है, क्या जरूरत है कि हम माइक से चिल्लाइए? लोगों को सोने में सुविधा होती है, लोगों की नींद में खलल पड़ता है, लोग बीमार होते हैं। जब एक नियम बना कि इतनी से ज्यादा दूरी पे आवाज नहीं जानी चाहिए, तो इसको भी तो आप फॉलो करिए। समाज का विघटन तब होता है, जैसा मुर्तजा जी कह सही रहे थे बात कि कह इन रहे हैं सब सर आप। की सर मुझे लगता है कि कार्यवाही से धार्मिक से समाज में ज्यादा विघटन कानूनी पैदा हो प्रक्रिया पर जाएगा, ध्यान देना समाज चाहिए विभाजित हो सर। जाएगा। शुक्ला निश्चित जी रूप से समाज कब जी विभाजित होता है? जब आप चुप रहते हैं उस एक्शन के खिलाफ, उस बातचीत के खिलाफ, उस कार्रवाई के खिलाफ जो एक समाज दूसरे समाज के लिए करता है, और आप चुप रहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।